क्योंकि स्टूडेंट्स को परीक्षा की कसौटी से गुजरना पड़ता है, इसीलिए उनके लिए याददाश्त कैसे बढ़ाएं, इसका महत्व बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स के लिए आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में वो देश भर के छात्रों से सालाना जुड़ते हैं, मोटिवेट करते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से हम ले आए हैं कुछ स्पेशल टिप्स हमारे एग्जाम वॉरियर्स के लिए। मोदी जी के पास मेमोरी बढ़ाने की कोई जड़ी बूटी तो नहीं है, लेकिन खुद के अपनाए कुछ मेमोरी ट्रिक जरूर है जो वो बड़े इनोवेटिव अंदाज में समझाते हैं। आइए सुने। आप सोचिए ही नहीं कि आपके पास याद करने की शक्ति नहीं है। अगर आप खुद से जुड़ी कुछ घटनाओं को देखें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। जैसे आपकी मदर टंग, क्या मदर टंग आपने किसी को बहुत ग्रामर के साथ पढ़ाया था क्या, सिखाया था क्या? नहीं सर। आपको याद होगा? नहीं, नहीं, नहीं। क्या स्कूल में आपने सीखी या किताब में कहीं भी नहीं? हाँ, ये सब सुन करके सीखी। तो यही वो चीजें हैं, जरा सोचिए कि आपको जो पसंद है, क्या इन चीजों को याद रखने के लिए आपने कभी कोशिश की थी? वो बातें जिनसे आप पूरी तरह जुड़ गए हैं, मग्न हो गए हैं, वो बातें जो आपका हिस्सा बन गई हैं, आपके विचार प्रवाह का हिस्सा बन गई हैं, उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये मेमोराइज नहीं है, एक्चुअली ये इंटरनलाइज है। और इंटरनलाइज करना, यही इसका एक अच्छा रास्ता है। और इसलिए आपको याद करने पर जोर देने के बजाय आपको उसे जीने की कोशिश करनी चाहिए। सहजता, सरलता, समग्रता के साथ आपके पास भी वही सारी शक्तियां हैं जो किसी बहुत टैलेंटेड व्यक्ति के पास होती है। याददाश्त को बढ़ाने का गजब का मोदी टॉनिक, वो भी बिल्कुल फ्री। करना सिर्फ इतना है कि जो काम करें पूरी लगन से करें। मेमोराइज नहीं, इंटरनलाइज करना है। लेकिन क्या हम सभी के लिए ये करना आसान है? क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, डे टू डे लाइफ में मोदी जी की बताई मेमोरी ट्रिक ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं? इसे भी मोदी जी एक सटीक एग्जाम्पल के साथ याद दिलाते हैं। सोचिए, अपने भाई या बहन के साथ अगर आपका झगड़ा हुआ हो तो वो आपको एकदम याद रहता है, आप उसे भूलते नहीं है। यहां तक कि आपको यह भी याद रहता होगा कि उस समय आपने आपके भाई बहन ने कौन से कपड़े पहने थे, आप खड़े खड़े लड़ रहे थे कि दौड़ते हुए लड़ रहे थे, सब याद होगा, एक एक वाक्य याद होगा। जी सर। यानी इसका एक मतलब यह है कि आप उसमें फुली इन्वॉल्व थे, आप उस क्षण को पूरी तरह जी रहे थे। साफ है कि चीजें याद रहे, प्रॉपरली रिकॉल कर सके, उसके लिए आप जिस क्षण में है उस क्षण में ही रहना और उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है। यानी हम पढ़ाई कर रहे हैं, किताब हाथ में है और मन है खेल के मैदान में, सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता है। सच कहते हैं मोदी जी, खुद को पूरी तरह इन्वॉल्व करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो ध्यान भी नहीं भटकता, चीजें अपने आप याद आने लगती हैं। लेकिन मेमोरी को शार्प बनाए रखने के लिए कोई तो तरीका होगा, कोई तो फॉर्मूला जरूर होगा। इसके पीछे छिपी है विजुअलाइजेशन की ट्रिक। आइए मोदी जी से जानें और आजमाएं। आगे चाहकर आप में से कोई विद्यार्थी अगर साइकोलॉजी पढ़ेगा तो उसमें मेमोरी बाय एसोसिएशन का कंसेप्ट
विस्तार से समझाया जाएगा। आप याद कीजिए कि स्कूलों में सुबह असेंबली में राष्ट्रगान होता है, अब जन गण मन हर कोई गाता है, लेकिन क्या कभी आपने जनगमन गाते समय आपने उस राष्ट्रगान के साथ देश में ट्रैवल किया क्या? आप उसके साथ जो शब्द आते हैं उन शब्दों के साथ अपने आप को विजुलाइज कर पाए कि नहीं कर पाए? पंजाब को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, बंगाल को, मन ही मन राष्ट्रगान गाते समय ट्रैवल किया क्या? आपको एकदम से याद होना शुरू हो जाएगा, मन ही विजुलाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। इसका तो एक फायदा और होगा, आप इस देश के साथ भी एकाकार होते चले जाएंगे, यानी इन्वॉल्व, इंटरनलाइज, एसोसिएट और विजुलाइज। मेमोरी को शार्प करने के लिए इस फॉर्मूले पर आप चल सकते हैं। बहुत सुंदर। अगर राष्ट्रगान गाते समय हम उसे विजुअलाइज करें तो पूरे भारत की यात्रा हो जाती है, मेमोरी भी स्ट्रांग हो जाती है और देश के प्रति भाव भी जागता है। आशा करते हैं कि मोदी जी के बताए फॉर्मूले हमारे एग्जाम वॉरियर्स की मेमोरी को स्ट्रांग बनाने के लिए जरूर फायदेमंद साबित होंगे।